ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे कि इंडिया में कितने तरह के एडवोकेट्स होते हैं और कितने तरह के एडवोकेट एग्जिस्टेंस करते हैं हमारी कंट्री में। तो सबसे पहले जो एडवोकेट होते हैं वो होते हैं फ्रेशर, यानी कि जिन्होंने अभी नई नई लॉ की होती है और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी कि जो रिसेंटली पास आउट हुए होते हैं और उन्होंने रिसेंटली ही अपना एनरोलमेंट कराया होता है, वो होते हैं फ्रेश एडवोकेट, कैटेगरी फर्स्ट। सेकेंड होती है सीनियर एडवोकेट, जिनको 30 से लेके 40 तक ईयर का एक्सपीरियंस होता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा हाई कोर्ट में जो वकील होते हैं वो ऐसे ही मिलेंगे आपको, 30-40 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस होता है नॉर्मली। तो नेक्स्ट आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये बस आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे, AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये क्या होते हैं, ये ना एक तरह से स्पेशल एडवोकेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में दो तरह के एडवोकेट होते हैं, एक नॉन AOR यानी कि नॉर्मल है और एक AOR। AOR के पास पावर होती है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने की, यानी कि उनको सिग्नेचर करने की और उनको एक तरह से वैलिड करार करने की। अब होता क्या है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में AOR के द्वारा वो डॉक्यूमेंट साइन ना हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट में चलती नहीं है, यानी कि वो वैलिड नहीं है। अब AOR जो एडवोकेट है वो कैसे हायर होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपना एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे बोलते हैं, तो जो एडवोकेट उसमें पास आउट हो जाते हैं तो उनको AOR नाम का प्रॉफिट मिल जाता है और फिर वो अपना सिग्नेचर डॉक्यूमेंट जो भी है वो साइन करके यानी उसको वैलिड बना सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है। अब कोई नॉर्मल कोई कहता है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और तो अगर कोई जाता है तो उसको ये बात पता होगी, तो उसको पता होगी कि AOR से पहले हमें वो डॉक्यूमेंट साइन कराने पड़ते हैं, तब जाके वो जजों के पास फाइल एक्सेप्ट होती है। अदरवाइज AOR नहीं है, AOR से साइन नहीं है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिग्नेचर नहीं होते। तभी आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं उनकी काफ़ी फीस होती है, तो वो इसीलिए होती है, आधा खर्चा तो इस AOR में ही लग जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवोकेट एग्जिस्ट इन इंडिया। ओके,